सियासत और फैज़ एम्ट्रस की जानिब से इस वबा के दौर में अवाम, खासकर गरीब अवाम को वायरल इन्फेक्शन से महफूज रखने के लिए यूनानी तर्ज अमल पर मुश्तमिल एक भपारे का ख़याम अमल में लाया जा रहा है, जिससे नाक, हल्लक और फेफड़ों में मौजूद इन्फेक्शन को ख़त्म करने में कामयाब मदद हासिल हो रही है। यह भपारा मेथी के बीज, कलौंजी, दालचीनी, तिरयाग आज़म के जरिए प्रेशर कुकर में पकाकर भाप के जरिए इसका भपारा लिया जा रहा है। कई एक अफराद जो सर्दी, ज़ुकाम, सरदर्द और साइनस में मुब्तला थे, इससे इस्तेफादा हासिल करने के बाद ठीक हो चुके हैं। सियासत और फैज़ आम ट्रस्ट शहर के सलम इलाक़ों में इस भपारे की तनसीब अमल में ला रहे हैं। गरीबों को इस वबा के दौर में महफूज रखने में कामयाब भी हो रहे हैं। इनकी इस कोशिश को हर गोशे की जानिब से सराहा जा रहा है। आज इदारे सियासत और फैज़ आम ट्रस्ट की जानिब से मुशीराबाद जमिस्तानपुर के एक मीनार मस्जिद में इसकी तनसीब अमल में लाई गई और यहाँ रोज़ाना 500 से ज़्यादा अफराद इससे इस्तेफादा हासिल कर रहे हैं। पेश है इस खसूस में हमारे नुमाइंदे फहीम अंसारी की जानिब से यहाँ के कुछ झलकियाँ। ब्यूरो रिपोर्ट, siyasat.com। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज रोज़नामा सियासत और फैज़ आम ट्रस्ट की जानिब से मस्जिद मेराज जमिस्तानपुर मुशीराबाद के सामने ये तिब्बे नबवी का नुस्खा, जिसके अंदर गर्म भाप के जरिए इलाज की कोशिश की जा रही है, जिसमें इलायची, लौंग और अदरक, कलौंजी, पुदीना, इस तरह की चीज़ें जो सर्दी ज़ुकाम को कम करने और कोविड को कम करने में मुफीद है, वो प्रोग्राम यहाँ शुरू किया गया। अल्हम्दुलिल्लाह कई लोगों ने इससे इस्तिफादा किया और लोग मुस्तकिल फ़ायदा उठा रहे हैं। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला इस कोशिश को कबूल फरमाए, इसके ज़रिए इस वबा को, इस बीमारी को अल्लाह तबारक व ताला ख़त्म फरमाए।